हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऐसे ही, और आप लोग देखकर प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी कीजिएगा। हो गया है, अभी थोड़ा सा बाकी है। अभी दोपहर का लंच रेडी कर रही हूँ मैं, हस्बैंड थोड़ा हेल्प कर रहा है, अदरक लहसुन प्याज छिलकर, वो ड्यूटी जाएगा। कंडीशन की रो रहा है, वो लहसुन प्याज छिलकर रो रहा है। ये देखिए, मैंने मछली फ्राई कर लिया है, और ये सासू माँ जी ने भेजा था अरबी का धंधा, और मैंने इसमें करी पत्ता और गंधलता और कुछ साग मिक्स कर दी हूँ, और ऐसे हम मछली डालकर ऐसे तरकारी बनाते हैं अरबी का धंधा से। तो ये बहुत औषधि गुणों से भरा हुआ होता है। गर्म पानी कर ली हूँ, और इस कुकर में मैंने मटन बनाई हूँ, और साथ में मैं कपड़ा भी धो रही थी। किचन में ही ये वॉशिंग मशीन है, कपड़ा धो कर हो गया, अभी सुखा रही हूँ, मतलब स्पिन कर रही हूँ। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, थोड़ा सा बारिश का मौसम है, अभी तो बारिश नहीं दे रहा है, लेकिन रुक रुक कर बारिश आ ही रहा है। और ये देखिए तुलसी का पौधा, हम लोग जब आए थे तो मर गए थे, मर ही गए थे, लेकिन मैंने पानी डाला और ये देखिए अच्छे से अभी हो रहा है। और इसमें मैं पानी रखती हूँ रोज़, चिड़िया पीती है, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है ये तुलसी का पौधा ऐसे लगाने के लिए। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। जब से सोना मुन्नी थोड़ा बड़ी हो रही है, तब से वो मुझे छोड़ती ही नहीं है, पता नहीं क्यों रोती रहती है, मुझे अकेले कहीं जाने के लिए नहीं देती है, तो बहुत बुरा लगती है। अभी मैं तो मेरी तबीयत ख़राब है, अस्पताल जाना है, और रो रही है वो। मतलब तबीयत ख़राब रहता ही है मेरा, आज फिर से मेरा मतलब कल से नाक सोने से दोनों नाक बंद हो जाता है, और बहुत परेशानी होती है, इसलिए दवाई लेने आई। आज संडे है, डॉक्टर साहब नहीं है, फिर भी दवाई दिया। ये लोग डांस का प्रैक्टिस कर रही है दोनों। हेलो एवरीवन, अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं। मैं अस्पताल से आने के बाद मतलब टाइम ही नहीं हुआ वीडियो बनाने के लिए, और ये कपड़ा जो मैंने कल का व्लॉग में दिखाया था ना, तो बहुत सारा बिक्री हो गया है, अभी थोड़ा सा बाकी है, अभी फोल करूँगी ये सब कुछ फोल करने के बाद आप लोगों को दिखाऊँगी, बहुत टाइम लगता है। फिर हिमाचल मतलब मुझे 7 बजे एक दवाई लेना था, लेकिन अभी टाइम 7:30 बज गया ही, तो उन्नसी काम में लगी है, थोड़ा थोड़ा सीख रही है खाना बनाने के लिए। ठीक है, चवा बना रही है अभी, मैं दूध डालती हूँ, उसको पता नहीं कितना दूध डालना है। पूरा पसीना हो गया मेरा, मम्मी का जैसे होता है जब वो खाना बनाती है, तो अभी मैं गैस में कर रही थी ना, तो पूरा
ये देखिए कपड़ा जितना फैला हुआ था मैंने फोल्ड कर लिया है, अभी ऐसे रख रही हूँ। बहुत सारा कपड़ा मैंने कम दाम में ही बिक्री कर दिया, और बाकी ये ज्वेलरी भी है थोड़ा सा, वो भी बिक्री करना है त्रिपुरा जाने से पहले। हम लोग त्रिपुरा जाएंगे, हमारा यूनिट ही त्रिपुरा जाएंगे अक्टूबर तक तो हम चले ही जाएंगे। तो अभी से मैं ये सब कुछ ख़त्म करने जा रही हूँ, और टीवी में मूवी चल रहा है। और ये देखिए मैं टेबल के ऊपर जो ये डाल रही हूँ, ये ऊन का बना हुआ है, मेरी माँ ने बनाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगती है ये। और ऐसे घर सजाने के लिए हर लेडीज़ को अच्छा ही लगता है कि नहीं।